मेरे प्यारे दोस्त, आज के नौजवान में एक नया बीमारी आया है, अपनी पिताजी की कमाई को खा के फुटानी झाड़ना, और साथ में अगल बगल के 5-10 परिवार के 5-10 बच्चे को बर्बाद करना। यह आज के युग का नया, एक नए जनरेशन नया बीमारी आया है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे लड़के के साथ आप भूल के मत रहिए, क्योंकि ये लोग इतने निकम्मे होते हैं कि आपकी हर हमेशा आपकी बुराई ही निकाल सकते, आपकी अच्छाई आप में से नहीं ले सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा, अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है, क्योंकि ये लड़का कभी भी 10 आदमी के बीच में बैठ नहीं सकता है, उसकी क्योंकि खुद की उसकी वजूद नहीं है। क्योंकि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति उसे पूछ दे कि सर आपकी वजूद क्या है, क्या कहेगा? मेरा पिताजी का ये है, मेरा नाना जी का ये है, मेरा दादाजी का ये है, मेरा ससुर जी का ये है। नहीं दोस्त, ऐसे काम नहीं चलता है भाई। कल आपके बच्चे बड़े होंगे, आप अपने बच्चे को कोई चीज़ बता नहीं सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते अपने बच्चे को कि भाई अजी बच्चे आपको अजी अच्छा निकल गया, बच्चा आपसे अजी पूछ दिया कि पिताजी आपको वजूद क्या है, आपकी खुद की स्टेटस क्या है, क्या जवाब दीजिएगा अपने बच्चे को? आए हो सके तो बच्चा आपसे भी ज़्यादा निकम्मा होगा, आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़िएगा? आप तो कुछ कीजिएगा नहीं, पिताजी की कमाई फुटानी कर दीजिएगा, या तो यही होगा कि आप उस लड़की से शादी कीजिएगा जिसका कोई भाई न हो, उसकी पिताजी अच्छा कमाता हो, उसी लड़की से शादी कीजिएगा, तो उसके बाद ही आपका बुढ़ापा कटेगा, क्योंकि आप पिताजी की कमाई खा के चाटिएगा और बेटा को कहिएगा तू नाना जी का कमाई चाटो, यही हो सकता है। लेकिन खुद सोचिए, आप अपनी बीवी को नज़रों में गिर जाइएगा, अपनी बीवी को नज़रों में कि मेरे पति का कोई वजूद नहीं है। मेरे दोस्त, आपकी बीवी ही कहेगा, आपके बच्चे ही कहेगा मेरे फादर को कोई वजूद नहीं होगा। एक पीढ़ी जाते जाते आपकी पूरी खानदान के स्टेटस खत्म कर दीजिएगा, ये भूल जाइएगा मेरा पिताजी कैसे मेरे लिए धन जमा किए, मेरे दादाजी कैसे मेरे धन जमा किए। भाई आपके भी दादाजी को विरासत में नहीं मिला होगा, आपके पिताजी को विरासत में नहीं मिला होगा, वो लोग मेहनत करके आपके लिए जमा। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को सीखिए कि कुछ जम के दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, नहीं तो आपके कहीं भी अच्छे जगह तो आप नहीं बैठ सकते। गप देने से काम नहीं चलता है भाई, गप यहाँ से कुतुब मीनार तक का मत दीजिए, प्राइम मिनिस्टर हम ही हैं, लाल किला पर हम ही झंडा फहराते हैं, ये सब मत बोलिए। जमाना इतना आगे निकल गया, जमाना इतना पीछे नहीं है भाई। आप अजी किसी को ठक रहे हैं, खुद को ठक रहे हैं, आप दूसरे को नहीं ठक रहे हैं, खुद को ठक रहे हैं भाई, खुद को ठक रहे हैं, आप अपने आप को नहीं ठक रहे हैं। मेरे दोस्त, इस चीज़ को सीखिए कि कल आपके बच्चे जब सवाल पूछेगा क्या जवाब दीजिए। भाई एक ऐसा इंसान बनिए ना कि दौलत आपकी हो, अनाज पिताजी करे, ऐसा इंसान बनिए मेरे प्यारे दोस्त। आप 10 के समाज में आप एग्जाम्पल दिया जाइएगा कि भाई उसके जैसा बन जाओ, फलाने के जैसा बन जाओ। ये मत सोचिए कि हम फलाने के बेटी से शादी करेंगे जिसको बेटा ना हो। अरे भाई ऐसा लड़का बनिए ना कि सारे उसके पूरे खानदान, उसके पूरे गांव वाला कहे कि भाई मेरी बेटी को ऐसे लड़का से शादी हो जाए, मेरी बेटी कैसे लड़का से। ऐसा लड़का बनिए भाई, एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में बतीसा मत दिखाइए, अपनी ज़िंदगी में अपने खानदान को, नाम को मत धसाइए भाई, दूसरे को पाँव मत खींचिए, दूसरे को हाथ पकड़ के सीखिए आगे बढ़ने का। अजी आपको आगे बढ़ना है ना, किसी को पाँव पकड़ के मत खींचिए, उसके आगे चल के उसकी रास्ता साफ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी पर उंगली उठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्यारे दोस्त।